गाइस आज दारमानपुर में सरस भारती आ रही है, तो मैं आप लोगों को उनके गाने सुनाता हूँ। हेलो अखिल ब्लॉग्स बनाते हो तो चैनल की सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी लाइव सिंगिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, अभी सभी चले गए हैं जहाँ से वहाँ पे आ गया सामने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11:30 बजे, और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए दारमानपुर। तो आज लास्ट दिन है मेले का, 2 दिन होता है दारमानपुर में मेला। मेरे साथ में राकेश भैया जा रहे हैं और साथ में साहिल भैया जे रहे। सुबह गाइस हमारे यहाँ बारिश हुई थी, मुझे लग रहा था कि आज मेला नहीं होगा, पर अभी बारिश शुरू गई है, थोड़ी थोड़ी धूप लगी है, बादल फिर से आ गया। नहीं होगी अब, क्यों नहीं होगी, मौसम साफ हो गया है, बस अब मेला भी है, सरस भारती आ रही है। हाँ, तो हम जा रहे हैं दारमानपुर मेला देखने। गाइस आज दारमानपुर में सरस भारती आ रही है, तो मैं आप लोगों को उनके गाने सुनाता हूँ। चलो पहले दारमानपुर मेले में पहुँचते हैं। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। तो हाँ जी गाइस, अभी मैं पहुंचा था मेले में, और गाइस अभी तक उतने ज्यादा लोग नहीं आए जितने ज्यादा कल आए थे, क्योंकि गाइस सुबह बारिश हुई थी, तो लोग अभी तक तैयार हो रहे होंगे। उन्होंने बोला होगा कि बारिश में कहाँ पे जाना है, तो अभी बारिश रुक गई है, तो अभी लोग आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। सरस भारती मैं अभी पता नहीं आई है या नहीं आई है अभी तक, देखो कितने कम लोग है अभी। अभी थोड़ा बहुत सेटअप ठीक कर रहे है जी, जो टेंट है इसे लगा रहे है। देखना कोई 2 बजे तक इधर इतनी ज्यादा भीड़ होगी ना भाई, बहुत ज्यादा भीड़ होगी इधर। ये क्या करो गाइस, बारिश की वजह से इधर बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया, तो उसके लिए इन्होंने इधर चीड़ की पत्तियां इकट्ठी करके फेंकी है इधर, तो तभी इधर बंदा बैठ सकता है, नहीं तो भाई कहाँ पे बैठेंगे, देखो कीचड़ कितना ज्यादा इधर। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ इस वाले झूले के अंदर, चलते है और जाके आते हैं। अभी तक कोई भी नहीं है, कल उतना ज्यादा मजा नहीं आया था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे थे, थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, तो उनसे पहले ही चले जाते हैं और मजे ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नहीं आऊंगा इसके बीच। बस ये मेरा लास्ट चक्कर है इसके अंदर, तो जाते हैं और वीडियो मेरी ये बनाएगा। गाइस जहाँ पे मेरे दोस्त ने नितिन ने दुकान लगाई है, नितिन किसकी दुकान है, आइसक्रीम की गाइस। कहाँ पे है आइसक्रीम, ये आई गाइस, ये तो इसमें तो आइसक्रीम डालनी है, इसमें आइसक्रीम। ये देखो गाइस ये रही आइसक्रीम, कल भी बेची थी क्या? हाँ गाइस, जहाँ पे जलेबी पकोड़े गोलगप्पे कुलचे इनकी दुकान है भाई, इतना कुछ लगाया है इन्होंने। देखो अभी लोग बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, अभी लोग आ रहे हैं अपने अपने घर से। फाइनली अभी अभिषेक भैया वरुण भैया दोनों आ गए, कब आए थे कल? इधर कब आए थे? सुबह आ रहे थे। वो देखो पानू भी आ गया। गाइस थोड़ी देर पहले जहाँ पे बहुत ज्यादा कम लोग थे, और अभी चेक करो गाइस जहाँ पे कितने ज्यादा लोग हो गए, अभी लाइव सिंगिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। साफ करना, अस बड़े खुश नसीब हैं कि इस पावन धरती पर बैठे दिया
जिसे गर्मी थी बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रही है। वो ज्यादा गला नहीं करते और ये शुरुआत कर लेंगे समाज वाला इनकी पेट करने पर भी है मेरा जो बेटी का दिल थी कहने के मैं धन्यवाद भी था असल में आने का मौका तो है थोड़े सारे सामने अपनी गीते की रखने का मौका तो अक्सर है शुरुआत कर लेंगे हम चूल करमी चंडिया मैया जे दुआ दे समझ आवादी मेरी बोली समझ आवादी है ना बोल भी समझ आवादी है तो फिर चलो फिर एक बार गाई लाने करने मैया के द्वारे सब संग ताजे आंदिया हो मैया के द्वारे सब संग ताजे आंदिया हो मैया दे द्वारे सब संग ताजे आंदिया हो संग तानो सारे लोग हैं भाई पहले कितने कम लोग थे पूरा Yeah.
पर साथ थोड़ा भी जाए है तेरे कन्ने दिला जिया लाला अरदास जी अरदास अरदास जी अरदास
Thank you.
सभी सरस्वती मैम ने गाना गा लिया और वहाँ पे सामने देखते उनके फैन कितने ज़्यादा भाई, सभी फोटो ही जा रहे हैं। और अब लेख राय वर्मा जी गाएंगे इनके बाद, कौन इनके बाद तो गाएंगे। वहाँ पे देखो कितने ज़्यादा फैन है भाई, हमारे भी होंगे क्या इतने ज़्यादा भाई। देखो सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने घर पे, जो औरतें हैं वो अभी चले जाएंगी और उसके बाद फिर दंगल होगा स्टार्ट। हेलो मानपुर आलू नहीं धार मानपुर आलू छोटू का नाम है अखिल ब्लॉग्स बनाते हो, तुम इंदे चैनल की सब्सक्राइब करी सकते हो और मुझे लगता है पूरे ग्रांधी सर भी करते हो। बिल्कुल बहुत
अच्छा लगा हमारे इधर मन बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इतने लोग के कहते मिले मैं ये महसूस हुए मैं अपने परिवार चाहिए और दिल दी कह रही है कहते धन्यवाद कर रही है पूरी मेला कमेटी का जिन्होंने आपको आपके साथ बहुत अच्छे लगे हमें बहुत अच्छा लगा सभी को जहाँ पे सामने देख सकते हो कितने सारे लोग आपके फैन है ये सभी प्यार गाइस अभी लाइव सिंगिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो गया अभी सभी चले गए हैं जहाँ से वहाँ पे आ गया सामने झूले पे कई लोग झूल रहे हैं और अभी दंगल स्टार्ट होगा सभी लोग पकौड़े जलेबी ले रहे हैं अपने अपने घर के लिए यहाँ पे मनोया कैसे हो साहिल भैया कैसे हो ले लिया अब अभी लिया पहले लेना खुश तो हो गए ना इतने सारे यहाँ पे अभी सभी चले गए हैं अभी ले रहा तू गलत बात है ले लिया तो अच्छी बात है ना अभी फिलहाल गाइस यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है भाई चलने के लिए रास्ता भी नहीं है ये देखो कैसे कैसे जा रहे हैं भाई धक्के देते हैं चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को दंगल दिखाता हूँ वहाँ पे सामने हो रहा है आज या लास्ट दिन मेले का भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई अब चेक करो आज भी झूले के पास देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है लाइन में लगना पड़ता है मेले का नज़ारा देखो भाई ऊपर देखो कैसे कैसे बैठे हैं पहाड़ी के ऊपर भाई जहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी बड़ी इन भैया ने जलेबी बनाई है भाई सबसे बड़ी जलेबी है जी वाली ये जहाँ पे पकौड़े जलेबी बेच रहे हैं हेलो तू खिला दे ना हमें हेलो ना पास पैसे नहीं है ले लो तू लेके दे ना दे दो इनको भाई भाई कंटेंट मिल गया गाइस बहुत ज़्यादा दुकानें लगी है जलेबी पकौड़े की जहाँ पे सुनील भैया राकेश भैया दोनों इधर है क्या कर रहे हो ले रहे हैं मुझे भी खिलाओ चलो चलो लेने तो दे पहले अच्छा ठीक है चलो भाई लोग चलते हैं और दंगल देखते हैं वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर देखो कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं लोग ऐसे ऐसे बैठे जैसे जैसे पहाड़ी बनी है ना अरे आज लास्ट दिन है तो लोग मेले का फुल मजे ले रहे हैं भाई अभी देखो गाइस मैं काम पे बैठा हूँ इस वाले झूले के ऊपर इसके ऊपर बैठना अलाउड नहीं है क्योंकि ये बच्चों के लिए ये टूट जाता है मैं तो ऐसे ही बैठ गया भाई नीचे उतरते हैं नहीं तो डांट पड़ेगी गाइस अभी हमें मिल गए हमारे एक भाई अजय भाई भाई दंगल के ना बहुत बड़े फैन है यार ये जहाँ पे भी दंगल होगा ही जाएंगे बनी भी जाएंगे बनी जाएंगे पक्का भाई बनी में तो हो गया सही हो रहा था पहुँच रहे हैं गाइस मैं एक घंटा हो गया इनसे वीडियो मांगते हुए ले ली अभी ले ली मजा आ जाता है यार बातें करके इतना ज़्यादा मैं इनको परेशान करता हूँ ना डेली कहाँ मैं तो आज ही मिलूँगा झूठ बोलो जब गाइस परेशान करने का मौका मिले तो करनी चाहिए यार गाइस अभी धारमानपुर का दंगल देखो आप लोग ये देखो जिसने गाइस कल कुश्ती करने के बाद डांस किया था ना हारने के बाद भाई वो ही बंदा आ गया भाई भाई बाहर चली गया कुश्ती कर रहा था भाई बाहर चली गया पता नहीं कैसा बंदा है ये भाई क्या हुआ इस कुश्ती का क्या कर रहा है क्या कर रहा है भाई बड़ा खतरनाक बंदा है जी वाला वो ये सामने है वो गिर गया अभी ये डांस करेगा कल के जैसे मुझे लग रहा है अब देखना क्या करेगा ये पीछे से भाई पत्थर की मार रहा है
मारने के बाद भाई पीछे से पत्थर मार रहा है। ये होती है लोकल पहलवान। गाइस नीचे देखो कितने सारे लोग हैं दंगल देखने वाले, और ऊपर इधर भी पहाड़ी के ऊपर कितने सारे लोग हैं भाई। गाइस जहाँ पे ठेनू अंकल ने शॉप लगाई है खिलौने की, मेला नहीं आप देखोगे? नहीं मेला क्यों? आधा घंटा तो काम करो। अच्छा काम करने के बाद सभी जे आपको स्टंट दिखाई कीजिए। देखो बैग फ्लिप भाई भाई लगातार कितनी सारी मार दी बैग फ्लिप भाई, बहुत अच्छे स्टंट मार रहे भैया। लगातार भाई बैग फ्लिप भाई, ये देखो क्या कितने खतरनाक स्टंट, पूरा फ्लेक्सिबल बनता है ये। गाइस जे है वो जिन्होंने अभी स्टंट मारे भाई। घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से, मेरा फोन सिर्फ 7% चार्ज बचा है। आज मैंने बहुत ज़्यादा लोग शूट किए हैं तो उसकी वजह से मेरा फोन ही लो हो गया, तो मैं सीधा घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से। अब जोनी भाई के चैनल पे देख लेना, या राहुल भाई के चैनल पे देख लेना लास्ट दंगल भाई। मेरे पे देखियो मैं डालूंगा पूरी पूरे मेले की वीडियो, मैं डालूंगा। ठीक है ठीक है, देखते 2-3 घंटे की डाल देंगे एक साथ। लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बन के करवाओ कि भाई, हां बन के करवाओ जल्दी। आप तो कितने बड़े यूट्यूबर हो, आप ही करवा दो। टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि बन के सब्सक्राइबर करनी है भाई। अच्छे से वीडियो बनाओ और डेली वीडियो बनाओ, अपने आप होंगे और वो आपके रियल सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। 3 महीने हो गए मुझे डेली वीडियो डालते हुए, और अभी 4 महीने भी होने जा रहे हैं। बाहर चले गए भाई, उड़को रोक रहा है भाई। हेलो हेलो टोली जी, टोली जी, टोली जी चमोको खड़े के बीच कुश्ती मानी जाएगी। नहीं हुआ भाई ये यार, बेवानी करके फिर चले। ये कुश्ती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है भाई, झूठ बोल रहे। ये कुश्ती नहीं मानी जाएगी। दोबारा से आ गए अभी अखाड़े के अंदर। सो हाँ जी गाइस, अभी आपका भाई आ गया है वापिस धारमानपुर का मेला देख के वापिस अपने घर पे। और गाइस मैंने आप लोगों को दंगल दिखाना था, पर मैं आप लोगों को इसलिए दंगल नहीं दिखा पाया क्योंकि गाइस मेरी बैटरी लो हो गई, तो उसकी वजह से मेरा ब्लॉग शूट नहीं हुआ दंगल का। बाकी तो मैंने मेले का तो किया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। मुझे ना 3 महीने हो गए हैं डेली ब्लॉगिंग करते हुए, शाम की 6:15 पे ब्लॉग डालता हूँ मैं, तो गाइस देखना मत भूलना मेरे डेली ब्लॉग। और ऐसा ही प्यार बनाए रखो मेरे, इस वाले महीने में ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ जल्दी से। गाइस जब मैं धारमानपुर में सरस भारती मैम से मिला ना, तो मैं पूरा नर्वस ही हो गया भाई, मुझे ऐसे डर सा लग रहा था, मैं कांप रहा था। मैंने लाइफ में ना पहली बार किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ वीडियो बनाई तो मुझे डर लगा। कोई बात नहीं गाइस, निकल जाएगा ये डर बाहर। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को धारमानपुर का मेले वाला ब्लॉग कैसा लगा। गाइस मैं ना डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ज़रूर मेरे डेली ब्लॉग्स देखना, क्योंकि गाइस मुझे पता है इस वाले ब्लॉग को अच्छे खासी व्यूज़ आ जाएंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो गाइस आज के इस वाले ब्लॉग को जहीं पे ऐड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो ब्लॉग को कर दो लाइक, और चैनल पे जो भी नहीं है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाय, आपका मिलता है कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय, जय माता दी।